वहां पे वाकई एक वाइब्रेशन मिलता है वहां जाने के बाद। ऐसे वातावरण में, ऐसी जगह पर ये गुरुकुल बन रहा है और क्लासेस शुरू हो रही हैं और विद्वान कलाकार वहाँ सिखा रहे हैं जो घरानेदारी से सीखे हुए हैं, और उनको शिष्यों को एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है उस वातावरण में गुरुओं के साथ रहने का। उस वातावरण में शिष्यों को एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे से समझ के, इंस्पायर होकर के कुछ करने का। कि हमारा गुरुकुल और गुरु शिष्य परंपरा रहनी चाहिए। और इन लोगों ने जिस श्रद्धा से ये काम कर रहे हैं, मेरी आजमाइश है उन लोगों से, मैंने देखा है जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। दे आर सो डेडिकेटेड। व्हाई यू नो? बिकॉज दे टेक म्यूजिक एज अ रिलीजन। इसीलिए म्यूजिक को पूछते हैं ये लोग। दे आर सो लकी टू हैव सच वंडरफुल स्टूडेंट्स। दे आर सो डेडिकेटेड। मैंने एक दोनों का बातें सुनी और उस वक्त भी मैं जब थी, बहुतों के साथ मेरी बात हुई है, मैंने सुन, दे आर सो नाइस, दे आर सो डाउन टू अर्थ। वो सिर्फ गाना ही नहीं सिखाते, गुरुकुल में जो होता है डिटेल्स में सिखाते हैं वो लोग। इतना बढ़िया, जिसको हम लोग तहजीब कहते हैं, संगीत से पहले तहजीब जानना बहुत जरूरी है, वो पहले सिखाते हैं ये लोग, मैंने खुद देखा है। और फिर ये भी उनका सोचना अच्छा है कि ऐसे कामयाबी होने वाले शागिर्द को सर्टिफिकेट भी मिले। तो मैं समझता हूँ ऐसी व्यवस्था पहली मर्तबा हमारे यहाँ पर हो रही है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से अच्छे कलाकार निकलेंगे जो हमारे संगीत के भविष्य को अच्छा आगे बढ़ाएंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 2 साल का मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, हिंदुस्तानी गायन, बांसुरी और तबला, गुरुकुल परंपरा और यूनिवर्सिटी का अनोखा संगम।